राम राम भाई लोगों जी, मेरा नाम गणेश यादव, जिला फिरोजाबाद। तो 7 सितंबर को मेरा कल मेडिकल था यूपी पुलिस का, पुलिस लाइन फिरोजाबाद में। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, विस्तृत रूप से मैं मेडिकल के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा, कैसे मेडिकल हो रहा है, कैसे क्या, ठीक है। तो उन लोगों के लिए थोड़ा धन्यवाद बोलना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे लिए बेस्ट विशेस बोला और मेरे मेडिकल के प्रति उज्जवल भविष्य की कामनाएं करी, और जिन्होंने नहीं बोला उनके लिए भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा, ठीक है। और जिन भाई बंधुओं के, जिन बहनों के जो कल या परसों या अगले दिन जो मेडिकल होने वाले हैं, उन सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएँ और अच्छे से मेडिकल दें, सभी पास हों, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैसी प्रक्रिया है, कैसे क्या है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करके मैं बना चाहता, 2 बार वीडियो बना चुका हूँ लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, तो काटनी पड़ी, ठीक है। मोबाइल भी नहीं ले रहा था मैं, बता दूँ आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में। हाई स्कूल इंटर, इन एक एक मूल प्रति वो तो होती है, और दो दो फोटोकॉपी, उसका सुप्रमाणित कर लेना, नाम लिख लेना, मूलवा जात प्रमाण पत्र जो आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम लगाया था वो, और आधार कार्ड, एक आईडी प्रूफ, मतलब कोई भी आईडी प्रूफ हो जो आपने लगाया था, जैसे पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, जो भी है, उसकी भी 2 फोटोकॉपी सुप्रमाणित कर लेना, और मूल प्रति, ठीक है, 10 फोटो, और शपथ पत्र जो आपने तहसील के माध्यम से जो भी बनवाया हो, और एक प्रधान का जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है, एक पड़ोसी वाला, एक फॉर्मेट पे, और 2 पड़ोसी के नाम होंगे वो बनवाना है, और स्कूल वाला जहाँ से आपने अंतिम मतलब शिक्षा प्राप्त की, या मतलब ग्रेजुएशन वगैरह जो भी की हो, मतलब स्कूल का एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक है। तो 3 चरित्र प्रमाण पत्र हो गए, और ये इस सुप्रमाणित मत करवा लेना, मतलब खुद साइन मत करवा लेना, ये ओरिजिनल होते हैं, ठीक है। और हैंड ग्लिप्स, सैनिटाइज़र और मास्क, ये 3 चीज़ें ले लेना, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत होती है, क्योंकि मास्क वगैरह पहन के चलो, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है, ठीक है। और सैनिटाइज़र रख लियो, और हैंड ग्लिप्स पहन लेना, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम जाते हैं अंदर, ठीक है। अंदर घुसेंगे तो हमारे पास एडमिट कार्ड होना चाहिए और एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, वो चेक करते हैं। मोबाइल की प्रक्रिया बता दूँ, मोबाइल किसी को अंदर ले जाने नहीं दे रहे थे, फिर भी अगर मोबाइल कोई साथ नहीं है या ले जाना चाहो तो बैग में रख लेना अंदर, साइलेंट करके, ठीक है, जा सकती हो। अंदर जाओगे आप, बैठा लेंगे एक फील्ड में, या किसी मतलब एक हॉल टाइप का खुला हुआ हो, मैदान टाइप का, वहाँ पर चेयर डली होगी 6-6 मीटर की दूरी की, मतलब दूरी पे। मेरा तो 50 का बैच था, तो एक अच्छी खुशखबरी ये देना चाहूँगा, 50 का बैच था, 2 अनुपस्थित हुए, बाकी उपस्थित 48 हुए, 48 में 48 पास हुए, फिरोजाबाद पुलिस लाइन, ठीक है। तो वहाँ बैठा लेंगे आपका, सर्वप्रथम सभी लोगों का एक एक नंबर बाई नंबर वहाँ पर लिस्ट रखी होगी, सभी का नंबर बाई नंबर आपका टेम्परेचर चेक करेंगे, जो कि कोरोना के काल में जो यहाँ पे लगा के चेक करते हैं ना, वो टेम्परेचर चेक करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी उसमें हो रहा मतलब आपका टेम्परेचर कम है या ज़्यादा जो भी है, तो आप पानी के चप्पे मरवाएंगे, पंखे के नीचे बैठवा देंगे और पानी पी लेना, वापस आप कर लेना, हो जाता है, ठीक है, नॉर्मली है। उसके बाद अंदर भेज देंगे आपको, 10 का बैच भेजेंगे, जल्दी कर रहा हूँ वीडियो, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, आराम से बताऊंगा। 10-10 करके अंदर भेजेंगे आपको, बाहर आपके सारे कपड़े उतरवा लेंगे, बैग रखवा लेंगे, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। अंदर जाओगे, यहाँ पर डॉक्टर लोग, अधिकारी लोग बैठे होंगे, ठीक है, अधिकारी लोग बैठे होंगे, डॉक्टर लोग, 5 डॉक्टर थे शायद, 5 ही थे कन्फर्म नहीं है, लेकिन डॉक्टर बैठे थे अंदर। अंदर जाओगे, फाइल मिलेगी आपको, अंगूठा मरवाएंगे, उसमें फाइल दे देंगे आपको। हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास में जाएंगे सबसे पहले आप, वहाँ पे आपके हाथ वगैरह सेट हैं, टूटी फाटे तो नहीं है, हड्डी वगैरह टूटी तो नहीं है, उंगली सही है, रीढ़ की हड्डी ठीक है, वही फ्लैट फीट और नॉर्मली चेक करते हैं। फ्लैट फीट का मैं बता दूँ, वहाँ पर कोई पानी वगैरह नहीं भरा हुआ था, वो नॉर्मली चेक करते हैं, पाँव ऐसे करके ऊपर नीचे करके, मतलब अगर थोड़ी सी चिड़िया है, मतलब थोड़ा सा गैप है तो सही है, कोई दिक्कत ना। और नौकनी के बारे में बता दूँ, बहुत लोगों की कॉल भी आ रही थी, बहुत भैया बंदो जो मैसेज भी कर रहे थे मेरे पास, भैया नौकनी के बारे में थोड़ा बताओ कैसे चेक कर रहे हैं। तो नौकनी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, डॉक्टर लोग कैसे मतलब चेक करते हैं, ठीक है। तो मेरा कैसे चेक किया था वो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, नौकनी मेरी दोनों तरीके से चेक की थी, ठीक है। तो गैप देखते हैं, पंजे मिलवा लेंगे, एडी भी मिलवा लेंगे, थोड़ा सा गैप है उसमें तो ठीक है, अगर फिर पंजे खुलवाएंगे तो ज़्यादातर मिल ही जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पास कर देते हैं, ठीक है। डॉक्टर लोग भगवान का रूप भी होते हैं, सब समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। उसके पास आप जाएंगे आँखों के डॉक्टर के पास में, आँखों का डॉक्टर क्या करता है, एक जो चार टंगा होगा, डिस्टेंस नहीं बता सकता मैं, लेकिन कुछ दूरी पे एक चार टंगा होता है जिसमें 6x6 6x6 6x12 वगैरह जो भी है, तो वो आँखें होती हैं, मतलब जो कम अक्षर बड़े अक्षर वो दिखाई देते हैं, ठीक है। लास्ट में छोटे अक्षर होते हैं वो पढ़ने होते हैं, ऐसे बंद करवा लेंगे एक आँख से, फिर इस आँख से वो देखने होंगे, 1-2 अक्षर अगर कन्फ्यूज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो पास कर देते हैं, समझ जाते हैं चीज़ों को, ठीक है।
उसके बाद दूसरे डॉक्टर होंगे वो भी एक आँखों के डॉक्टर होते हैं, जैसे आँखों का बहगापन, जैसे एक उंगली करेंगे ऐसे दिखना है, फिर ऐसे ऊपर नीचे जो भी करेंगे तो उसमें दिख जाता है। कुछ लड़के होते हैं जैसे तुम्हें लग रहा है मेरी तरफ देख रहा है लेकिन वो किसी दूसरी की तरफ देख रहा होता है, ठीक है, तो वो चीज़ बहगापन होता है वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद वही आपको पढ़वाएंगे कलर विजन की एक बुक होती है, वो उसमें 6, 7, 45, 44, 88, 89, 80, 90 जो भी है डिजिट दी होंगी उसमें वो आपको देख पढ़नी है, ठीक है। एक दो नंबर कन्फ्यूज होते हैं तो चले जाता है, नॉर्मली होता है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे डॉक्टर साहब कि कलर विजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे कानों के डॉक्टर के पास में। कानों के डॉक्टर क्या करते हैं, टॉर्च से, मतलब टॉर्च मास्क लगा हुआ होगा, टॉर्च से मतलब दोनों कान देखते हैं, ठीक है, मतलब साफ है, मिट्टी वगैरह तो नहीं है। उसके बाद एक मशीन टाइप की होती है तो वो यहाँ पे लगाएंगे, अगर उसमें आवाज़ आ रही होगी, मतलब थोड़ी सी कुकू करके आवाज़ आती है, आवाज़ आ रही होगी तो बोल दो आवाज़ आ रही है, इस वाले में लगाएंगे, आवाज़ आ रही है तो बोल दो, नहीं आ रही है तो बोल दो, अगर नहीं आ रही तो मना कर दो, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाने का। फिर यहाँ पर रख लेंगे माथे पर, तो बताना है आपको मतलब आ रही है तो सही है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है। तो आँखों के डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर आप जाएंगे वो क्या बोलते हैं उस दिन हाइट चेस्ट के बारे में, हाइट और चेस्ट मतलब कैसे क्या नापते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कुछ लड़के बोल रहे थे मतलब DBPST के दौरान करे थे वैसा ही है या कुछ अलग है, तो सीना तो नॉर्मली होता है, कुछ लोग मतलब कमज़ोर हो जाते हैं एक तरह से, खाने पीने को डिपेंड करता है, थक जा मतलब जो भी है मैं कमज़ोर समझ सकते हैं जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सीना कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं करता, सीने में कोई फेल नहीं होता, हाइट है, हाइट तो एक नेचुरल चीज़ होती है, नॉर्मल चीज़ है, तो जितनी वहाँ पे होगी उतनी वहाँ पे होगी, आराम से नाप रहे तो कोई ज़्यादा टाइट नहीं कर रहे थे, ठीक है। आप सोचो फेल करने का इरादा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो भी सोचते हैं लड़के पास हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपकी सारी वो फाइल वगैरह जो भी सेट हो जाएगी। अब मैं आपको लास्ट पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, मेडिकल वैसे 10 मिनट में हो जाता है, नॉर्मल 10 मिनट बता रहा हूँ, वैसे पहले हो जाता है लास्ट। जैसे लड़के पूछ रहे थे भैया प्राइवेट पार्ट भी चेक होते हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूँ प्राइवेट पार्ट बिल्कुल चेक नहीं होते, खुल के नहीं बताना चाह रहा हूँ, कुछ लड़कियाँ भी इस वीडियो को देखेंगी, कुछ बहने लोग हैं जो भी है, तो मैं बताना नहीं चाह रहा। जैसे अंडरवियर आप पहने रहेंगे, बाकी सारी चीज़ मतलब सारी चीज़ पर कुछ भी नहीं देखते, ठीक है। आप सोचोगे सीक्रेट चीज़ वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और लास्ट चरण है दांत वाला, तो मास्क लगा हुआ होगा, दांत वगैरह वो चेक नहीं करते बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। वो आपको टच भी नहीं करेंगे, हाथ भी नहीं पकड़ेंगे आपको, मतलब खुद ही दूर से ही देखेंगे सब कुछ, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मेडिकल नॉर्मल होता है पुलिस का, और सब सारे लोग पास ही थे लगभग। और ज़्यादा ही जैसे गंभीर समस्या होती है किसी की, मतलब हड्डी वगैरह टूटी हुई है जो भी है, तो वो लोग निकलते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी मेरा जो रिजल्ट रहा था 48 में 48 बता रहा हूँ आपको, फुल 100% था, जो कल का 7 सितंबर का था। और बाकी जैसा लड़का होगा मतलब उस स्तर से, मतलब जैसा रिएक्ट होगा उस स्तर से रिजल्ट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद भेज देंगे दूसरे रूम में, उसमें चर सत्यापन के लिए आपके मतलब कागज़ वगैरह वो पूर्ति होती है, ठीक है। वहाँ टाइम लग जाता है, सुबह में 8 बजे गया था, शाम को 6 बजे निकल के आया था बाहर, टाइमिंग बता दे रहा हूँ आपको। तो वहाँ पर एक भैया होंगे, वो आपका रिजल्ट तैयार कर रहे होंगे, वो लिस्ट लग जाएगी बाहर, सफल या असफल जो भी है, ठीक है, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे रूम में जाएंगे, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आप जो ले जाते हैं, मूलवा जात प्रमाण पत्र जो भी सारे इतिहास डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक होंगे, वहाँ पर साइन वगैरह होंगे, फाइल में रख दिए जाएंगे, उससे आपसे बोल देंगे आप जा सकते हैं, आपका मेडिकल हो गया, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से जाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और मैं आशा करता हूँ जो मैंने बताया आप समझ गए होंगे, मेडिकल नॉर्मल है, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। आँख वगैरह बता दी मैंने, और कान वगैरह जो भी है, दांत चेक नहीं होते, प्राइवेट पार्ट बिल्कुल भी चेक नहीं होते, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और मेरी तरफ से सभी भाई बहनों को अग्रिम शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, आराम से जाएं, ठीक है, मस्त अपना वो आराम से मेडिकल दें, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैंने थोड़ा शॉर्ट करना चाहा है, लेकिन चीज़ें सारी बताती हैं, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।